नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आज का कार्यक्रम हम पिछले 12-13 वर्षों से हमारे बड़े भाई जनता के सेवक सही मायनों में शरद पवार इनके नेतृत्व में और इनके मार्गदर्शन में हम लोग सभी लोगों को लेकर, हर समाज के लोगों को लेकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सभी समाज को लेकर यह कार्यक्रम करते हैं, ताकि समाज में इस कार्यक्रम के आयोजन से लोगों में एकता का जो माहौल है वो पैदा हो सके। पहले हमारे कृष्ण भगवान के एक रसखान भक्त थे, वैसे ही हमारे शरद पवार जी के साथ में हमारे मलंग भाई, यादव संघ के हमारे यादव चाचा सुधीर चौधरी, सलीम भाई, ये हमारे जो पवार साहब के लोग हैं, इन्होंने हमेशा पवार साहब के साथ एकता का प्रतीक होने का रूप दिया है। आप अपने मंच के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं? हमारा मंच जो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई शरद पवार जी, इन्होंने हमेशा कहा है कि अगर विकास करना है तो सबसे पहले हमारे साथ जो भी लोग रहते हैं, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विकास होना चाहिए, तभी सही मायनों पे लोगों का विकास हो सकता है। दही दही हंडी वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुला रहे हैं, आप लोकल नेताओं को बुला रहे हैं? देखिए, होता ऐसा है कि हमारे यहाँ एक ही नेता है, हमारे बड़े भाई शरद पवार जी हैं, यही हमारे नेता हैं, यही हमारे बड़े भाई हैं, यही हमारी सेलिब्रिटी हैं। ये मंच पे आ जाते हैं तो सेलिब्रिटी हमारे लिए यही हो जाते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सब धर्म के समभाव के हिसाब से आज गोकुल अष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय लोग हमारे साथ हैं, सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ जुड़कर, और हर त्यौहार में, ये ऐसा ही नहीं कि आज गोकुल अष्टमी है और इसी त्यौहार में जुड़ के सब लोग आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यही चाहते हैं सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, और सभी जाति धर्म के लोगों ने सभी के त्यौहार में एक होकर और काम करना चाहिए, यही संदेश लोगों में जाए तो हमारा देश एक महानता की ओर बढ़ता जाएगा। हम धर्म को न देखते हुए इंसानियत को देख के काम करें, यही हमारा यह है कि उपदेश है कि लोगों ने सभी ने साथ में आके और हमारे भारत देश का जो नाम है एक महान होने के लिस्ट में जाना चाहिए। और सभी फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज।